અમદાવાદ ખાતે યોજાયેલ મિસ્ટર મિસિસ એન્ડ મિસ યુનાઇટેડ ભારત 2019 કોમ્પિટિશનમાં કોસંબાનો સોહેલ મલેક પ્રથમ રહ્યો હતો, જ્યારે કિમ ખાતે રહેતી પ્રતિમા વિશ્વકર્મા સેકન્ડ રનર્સઅપ બની હતી. અમદાવાદ ખાતે યોજાયેલી આ કોમ્પિટિશનમાં ગુજરાતમાંથી 35 જેટલા સ્પર્ધકોએ ભાગ લીધો હતો, જેમાં કોસંબાના સોહેલ મલેક પ્રથમ રહ્યો હતો, જ્યારે કિમની પ્રતિમા વિશ્વકર્મા સેકન્ડ રનર્સઅપ બની હતી. હેલો એવરીવન, મેરા નામ સોહેલ મલેક હૈ ઓર મેં લેટેસ્ટ મિસ્ટર યુનાઇટેડ ભારત 2K19 હું. હમારા ઓડિશન જર્ની જો સ્ટાર્ટ હુઆ થા 3 મહિને પહેલે સ્ટાર્ટ હુઆ થા યુનાઇટેડ ભારત કા જો કિમ ઓર કિમ જગહ પે હુઆ થા સુરત મેં હુઆ થા ઓર બડી બડી સિટીઝ મેં હુઆ થા ઓર યે ઓલ ઓવર ઇન્ડિયા સે લોગ વહાં પે આયે થે કોમ્પિટિશન કરને કે લિયે. વહાં સે વહાં પે 36 લોગ થે કમ્પીટ કરને કે લિયે. ઓર इस अभिरा इवेंट के थ्रू ये यूनाइटेड भारत ऑर्गेनाइज हुआ था. उसके जो ओनर है उनका नाम है करण पटेल एंड पावनी कोहली. और इसके जो भी स्पॉन्सर्स थे माई फिटनेस पीनट बटर, 3P प्रोडक्शन और जाज परफ्यूम, NLD कॉस्मेटिक्स, ये सब इनके स्पॉन्सर्स थे. 5 डेज वहां पे हम लोग रहे थे. 5 डेज वहां पे टास्क 10 कॉम्पिटिशन चले थे और वहां पे आर्या ग्रैंड होटल अहमदाबाद में रिजॉर्ट है, वहां पे हम लोग को 5 डेज स्टे था, ग्रूमिंग था. वहां पे रोहित खंडेलवाल सर आए थे हमको ग्रूम करने के लिए, सालू ओझा जैसी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज हमें वहां पे ग्रूम करने के लिए आई थी. वहां पे 5 दिन कॉम्पिटिशन चला था और 5 दिन कॉम्पिटिशन करने के बाद मैं अपना विनर का टाइटल लेके को संभाल आया हूँ. मेरी आज से पहले, मेरी 3 महीने पहले मेरी जर्नी स्टार्ट हुई फिटनेस गैरेज स्कीम से और मैं वहाँ फैशन शो में सिलेक्ट हुई. जो फैशन शो इवेंट था अबीरा इवेंट और उसका उसके सर थे करण सर और पावनी मैम. इसके बाद हमको 3 महीने के बाद हमको पता चला कि हमको अहमदाबाद जाना है. तो अहमदाबाद हम लोगों का जो फैशन शो था उसमें मुझे चांस मिला. मैं सोच भी नहीं पा रही थी कि मेरी उम्र 55 साल है और मुझे वहाँ जाने को मिलेगा. तो मैं इतना खुश हुई क्योंकि मेरा वो सपना था. मैं जब छोटी थी तब से मैं जो रैंप को खो रहा था तो मैं देख रही थी. तो उसी टाइम मैंने सोचा कि मैं एक दिन मेरी लाइफ में रैंप पर मैं जाऊँगी ही जाऊँगी. उसके बाद मेरा जर्नी आगे बढ़ता गया, मेरी लाइफ चलती गई. इतना समय निकल गया, मैंने सोचा नहीं था कि मैं यहाँ तक पहुँचूँगी. तब सर का फ़ोन आया कि तुम आप वहाँ सिलेक्ट हो गई और आ सकती हो. तब मैं वहाँ जाके इतना सोचा कि मैं सही में कर पाऊँगी. मेरा कॉन्फिडेंस कम था मगर वहाँ जाके जो जो तपन सर है, फिर मीरा मैम है, उसका जो भी हमको उसने जो भी हमको सिखाया तो उसकी वजह से मेरे को बहुत कॉन्फिडेंस आ गया. और मैं आज की युवा वुमन को मैं वही बोलना चाहती हूँ कि कभी मायूस मत हो. कभी ज़िंदगी में अगर तुम ऐसा सोचोगी कि मैं नहीं कर पाऊँगी तो तुम कभी नहीं कर पाऊँगी. मगर ऐसा सोचो कि मैं कुछ ना कुछ कर पाऊँगी. जो मैंने सोचा है वो मेरा थी, कभी ना कभी मैं पूरा कर पाऊँगी. आज मैंने इतने साल हो के भी मैंने मेरा जो सपना था वो मैं पूरा कर पाई हूँ. भले मैं वहाँ जीती नहीं, फर्स्ट 3 में मैं नहीं आई, फिर भी मुझे जो अवार्ड मिला वो ऐसा मिला कि मुझे पता ही नहीं था कि मैं इतने सारे लोगों को साथ में लेके चलती हूँ, जिसे कोलेजेंट अवार्ड कहते हैं, तो वो मुझे मिला है. और आज के बाद मैं आगे और बढ़ के और जो होगा इवेंट उसमें जाके मैं ऐसा सोचूंगी कि मैं कोई भी लेके, इतना मैं टाइटल लेके आई हूँ तो उसके बाद मुझे जो भी, मैं सोशल फील्ड में हूँ तो सोशल वर्क में मुझे कई छोटे छोटे बच्चों के लिए मैं कपड़ा इकट्ठा करके देने जाते हैं हम लोग. और जो हम लोग ब्लड डोनेशन कैंप करते हैं उस सब में हमको ये सब काम लगेगा. और बोल सकते हैं कि हम समाज के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं. और आज मैं वो जो भी मेरा है वो थीम मैं पूरा करना चाहती हूँ, कर सकती हूँ. और जो उसमें 3P प्रोडक्शन है उन लोगों ने हमें बहुत सपोर्ट किया है. पीनट बटर ने हमको बहुत सपोर्ट किया है. वो लोगों सब शालू मैम आई थी वहाँ पर,
फिर रोहित खंडेलवाल आए थे, उन लोगों ने भी मुझे इंकरेज किया कि आंटी आप इतनी बड़ी उम्र में जो आई हो तो हम लोग छोटे बच्चे को भी आप एक इंस्पिरेशन हो हमारे लिए कि हम लोग कुछ ना कुछ कर पाए। एवरीवन, माय नेम इज मिसेस प्रतिमा विश्वकर्मा, मैं कीम से हूँ। मैंने अपना प्रेजेंटेशन कीम से स्टार्ट किया था और वहाँ से मैं सक्सेस होने के बाद मुझे ग्रैंड फिनाले में, मिसेस यूनाइटेड भारत के ग्रैंड फिनाले में डायरेक्ट एंट्री मिली। वहाँ पे मैंने टास्क दिए, 5 डेज का था और मैंने टास्क बहुत अच्छे से दिए, सक्सेस हुई और 36 में से मैं विनर टॉप हुई। सो मुझे अपने आप पे प्राउड है और मैं हर एक मिसेस को एक संदेश देना चाहती हूँ कि वो 4 दीवारी में कैद होके ना रहे, वो बाहर निकले और अपनी सोसाइटी के लिए, अपने स्टेज के लिए और अपने खुद के लिए कुछ करें और नाम रोशन करें।